भारत चाइना बॉर्डर LAC पर शहीद हुए वैशाली के सपूत जयकिशोर के घर नेताओं का पहुंचना बदस्तूर जारी है। ऐसे में जब शहीद जयकिशोर का श्राद्ध कर्म किया जा रहा हो तो नेताओं का पहुंचना और भी लाजमी हो जाता है। इस कार्यक्रम में 29 जून को वैशाली के चकफतेह गांव में जिला प्रभारी मंत्री नंदकिशोर यादव और MLC देवेश चंद्र ठाकुर समेत कई गणमान्य शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद जयकिशोर सिंह के तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवानों की देशभक्ति का बखान किया। बताते चलें कि बीते 16 जून को लद्दाख में चीनी सेना से लोहा लेते हुए वैशाली के लाल जयकिशोर सिंह शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर एक तरफ शहीद के परिवार व गांव में चीन के खिलाफ लोगों में आक्रोश व्याप्त है, वहीं शहीद जयकिशोर की दिलेरी की गाथा हर व्यक्ति की जुबान पर है। जब गाँव के लोग शहीद का नाम लेते हैं तो गर्व से सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। वहीं गाँव का हर युवा चीन को धूल चटाने की बात करते नजर आते हैं। बहरहाल प्रदेश ही नहीं तो पूरा देश शहीद जयकिशोर की बहादुरी को सलाम करता है। 24 साल तक का उम्र रहा होगा, ऐसे बच्चे रोए सब लोगों ने अपनी शहादत दी है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शहादत हो नहीं सकती और इसीलिए हम लोग सब इनके शहादत को सलाम करने आए हैं, सम्मान करने आए हैं। मैंने अभी कहा है कि हाईवे से अंदर जहाँ प्रवेश करते हैं गाँव की तरफ, मैं अपनी तरफ से उसमें गेट अपनी तरफ से मतलब निजी साधन से एक बहुत भव्य द्वार गलवान शहीद जयकिशोर सिंह द्वार बनाने की मैंने घोषणा की है। तो हम समझते हैं हम लोग का दायित्व है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। पूरा देश इसमें बिहार रेजिमेंट के उन जवानों को उनकी शहादत को सलाम कर रहा है जिन लोगों ने चीन की सीमा पर चीनियों को मार करके अपनी शहादत देने का काम किया और हमारे देश का इतिहास भी रहा है। हमारे वीर बहादुर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने में कोई पीछे नहीं रहे। हम सबके लिए गर्व की बात है कि जयकिशोर सिंह हम लोग के राज्य के थे, युवा थे, लेकिन इन्होंने बहादुरी के साथ चीनियों को मारा है तब अपनी शहादत दी।